मिला है, माता का आशीर्वाद हुआ हो या कुछ सिद्धि टाइप की कुछ। कि नर्मदा परिक्रमा के लिए मन में कैसे इच्छा हुई आपकी? मेरे साथी लोग चाहेंगे जो के लिए अगर जाना चाहें तो किस तरह से अपने आप को सेटल कर सकते हैं परिक्रमा में जाने के लिए? कि पर आपको भी मैंने देखा था शाम के समय पर बता रहे हैं कई बार सर्दी इतनी लग रही है कुछ ओढ़ने को नहीं मिल पा रहा है। सन्यासी हैं या साधक हैं या कथावाचक? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सौरभ मयूर, आप सभी के समक्ष आज हाजिर हूँ। और आज हमारे साथ हैं डिजिटल बाबा जी, जिनको सोशल मीडिया के जितने भी फॉलोअर्स हैं उन सब जानते ही होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे। इनका काम इनको डिजिटल बाबा की पहचान दिलाता है। आज इनसे चर्चा करेंगे इनके जीवन के बारे में, इनके कार्य के बारे में, धर्म के लिए किस तरह से कार्य कर रहे हैं। महाराज जी, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा आपसे, आपकी नर्मदा परिक्रमा से। जी, कि नर्मदा परिक्रमा के लिए मन में कैसे इच्छा हुई आपकी? हमारी एक परिचित माता जी हैं, उनकी बेटी नर्मदा परिक्रमा करने के बारे में खोजबीन कर रही थी। उसी दौरान उन्होंने हमसे भी संपर्क किया। फिर हमको सुनने में तो था कि हाँ, नर्मदा परिक्रमा होता है, तपस्वी साधक लोग करते हैं, पर बहुत कठिन परिक्रमा है, इसलिए उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की और करने की हिम्मत नहीं कभी बन पाई। जब उस बालिका ने हमको पूछा, फिर मैंने अध्ययन शुरू किया, देखना शुरू किया परिक्रमा कैसे होता है, कौन कौन करते हैं, कैसे कैसे किया जाता है। फिर मेरा मन हुआ कि परिक्रमा करनी चाहिए, और फिर हमने पिछले वर्ष 4 नवंबर को देव उठनी एकादशी के दिन ओंकारेश्वर से परिक्रमा आरम्भ किया था। क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं जो नर्मदा परिक्रमा के बारे में सोचते तक नहीं है। परिक्रमा लगाना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारी कठिनाइयाँ, ऐसी चीज़ें वहाँ मिलती हैं जो परिपूर्ण नहीं हो पाती हैं, भोजन पानी व्यवस्था हो और भी सहायता। पर मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई दिन नहीं रहा जिस दिन भोजन न मिला हो। हाँ, ये ज़रूर है कि आप जब चलेंगे तो कभी कभी आपका मन ही होगा कि अभी भोजन नहीं करना है। भोजन कोई कराने के लिए आपको निवेदन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, पर आपका मन होगा कि नहीं, अभी भोजन नहीं करना है। कब करना है? 3 घंटे बाद करना है। और फिर जब 3 घंटे बाद आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ कोई भोजन कराने वाला नहीं मिलेगा। तो व्यवस्था तो है, पर हमारे मन की स्थिति क्या है। अब उस सामने वाली व्यवस्था में अगर हम जुड़ करके उपयोग कर लेते हैं तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। मतलब जब मिले जैसा मिले पा लेना चाहिए, थोड़ा ही पाइए, पा लीजिए। और हर जगह पर लोग सेवा करते हैं। मैं जीवन में पहली बार देखा कि सचमुच मानवता अभी भी जीवित है। बिना किसी स्वार्थ के गांव के ग्रामीण किसान थोड़ा सा कमा करके और बहुत अधिक सेवा करने की उनके अंदर इच्छा बनी रहती है, करते भी रहते हैं वो। मैं और मेरे साथी लोग चाहेंगे, जो भी जवान लोग हैं, इस परिक्रमा के लिए अगर जाना चाहें तो किस तरह से अपने आप को सेटल कर सकते हैं परिक्रमा में जाने के लिए? कितने दिनों में इस यात्रा को सफल कर सकते हैं? कम से कम 4 महीना मान लीजिए। 4 महीने हमें लगे थे, 118 दिन, तो 4 महीना मैं मानता हूँ कम से कम चाहिए। और कम से कम सामान, पैसे रुपए अगर आपके पास सेविंग है तो ज़रूर लेके जाइए, और नहीं पैसे हैं तो किसी बात की फिक्र मत करिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि यदि हमारे खाते में पैसे हैं तो वो पैसे हमें अपने पास थोड़े से रखने चाहिए, जहाँ हम सेवा ले रहे हैं। सब चीज़ें खरीद के मिलती है ना आजकल, बिल्कुल, तो उनको हम कम से कम अपना जो शुल्क बनता है सहयोग रूप में, वो वहाँ सेवा के बदले में देते रहें, ताकि उस पैसे से जो सच में अक्षम व्यक्ति है, जरूरतमंद लोग हैं, उनको मिल सके, उसको तो मिल जाए सेवा। बात हुई अभी कम से कम सामान की, क्योंकि पूरा सर्दी के जो सीजन होता है निकल जाता है उसी दौरान, तो क्या सामान कम कर सकते हैं, क्या लेके जा सकते हैं? जैकेट रखिए। और हम सच बताएं, पूरे सर्दी के मौसम में किसी दिन, सच बताऊं तो सर्दी के मौसम में जैकेट सिर्फ 1 घंटे में पहनते थे। जब नहा वहा करके कपड़ा पहनना होता था और चलना शुरू नहीं होता था तो शुरू में ठंडी लगती थी। नहीं, कई बार आपको भी मैंने देखा था शाम के समय पर बता रहे हैं, कई बार सर्दी इतनी लग रही है कुछ ओढ़ने को नहीं मिल पा रहा है। हाँ, ठीक बात है, तो मैं वही बता रहा था कि चलते समय आपको सर्दी नहीं लगेगी। हाँ, लेकिन जब आप शयन करेंगे तो उस समय सर्दी लगती है। तो उसके लिए फिर तो हमने वो वार्म अप रखा था, एक जैकेट रखा था, एक कंबल रखा था, लेकिन जैकेट हमारा बहुत कम इस्तेमाल हुआ। सुबह बस घंटा और शाम के टाइम पर सर्दी, या कभी जब ओढ़ने के लिए सही जगह संसाधन नहीं मिला तो फिर जो है ओढ़ के ही सोना पड़ा, कई बार पहन वहन के सो जाता। एक बार तो मैंने रेनकोट भी रखा था, तो एक जगह रेनकोट पहन के सोया था। हाँ, कुछ व्यवस्थाएं थी नहीं वहाँ पर, कहीं कहीं ऐसी रहती है। शुरुआत कहाँ से करनी है यात्रा की? शुरुआत ओंकारेश्वर से शुरू करते हैं, कुछ लोग अमरकंटक से भी शुरू करते हैं,
पर अभी ओमकारेश्वर ही अधिक। अच्छा, अमरकंटक तो मुख्य जहाँ से नर्मदा मैया निकलती है, वही स्थान है, कहाँ से करना चाहिए? प्राचीन काल में अमरकंटक से होता था, लेकिन अभी वर्तमान समय में बहुत सारे लोग ओमकारेश्वर जी से शुरू करते हैं। उसमें ये है कि जो ओमकारेश्वर भगवान है उनको जल चढ़ाने का विधान है परिक्रमा संपन्न होने के बाद, तो जहाँ से हम शुरू करते हैं वहीं हमारी परिक्रमा शुरू होती है, जल चढ़ाते हैं। अब अमरकंटक से शुरू करेंगे तो अमरकंटक पूरा करने के बाद फिर हमको ओमकारेश्वर आना पड़ेगा। कुल मिला के आपको बताएं, परिक्रमा कीजिए। और ऐसे भी लोग हैं कि जैसे नर्मदा किनारे हमारे घर हैं तो वहीं से परिक्रमा शुरू करेंगे, वहीं आ जाएंगे और फिर जल चढ़ाने के लिए ओमकारेश्वर लोग चले आते हैं। मतलब जहाँ से आपको सुविधाजनक लगे वहाँ से शुरू कर लीजिए, दोनों जगह में से कहीं से भी। मोटा मोटी कुछ जिले वगैरह पड़ते होंगे आपको? अब जिला तो मुझे नहीं याद है, बहुत सारे जिले पड़ते हैं, कुछ जिलों का बॉर्डर पड़ता है, तो जिला और जगह का नाम नहीं हमको ठीक से याद है। लेकिन जो मैं मूल बात बताना चाहता हूँ वो ये कि परिक्रमा करने से जीवन दर्शन आपको मिलेगा, संघर्ष में कैसे रहा जाता है ये सीख मिलेगी, और जिस व्यक्ति ने नर्मदा जी की परिक्रमा कर ली वो जीवन के हर हाल में हर परिस्थिति में अपनी ज़िंदगी संतुलित बनाए रखते हुए आगे ले जा सकता है, सफल हो सकता है वो। तो आपकी यात्रा संपन्न होने के बाद कुछ ऐसा आपको अनुभूति हुई कि हाँ मुझे कुछ मिला है, माता का आशीर्वाद हुआ हो, या कुछ सिद्धि टाइप की कुछ? नहीं, सिद्धि वगैरह में हमारी कोई दिलचस्पी भी नहीं है और हमको भरोसा भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। हाँ, मेरा हृदय, हमारा अंतःकरण, हमारा मन, हमारा चित्त बहुत शुद्ध हुआ, बहुत सारी उसमें जो कमियाँ थी वो ख़त्म हुई। और सबसे बड़ी बात यह ना कि एक साधक को अपने जीवन में अपने व्यवहार के प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने जीवन की प्राथमिकताओं के प्रति बहुत ईमानदार रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कपड़ा पहने ये लाल कपड़ा, ठीक है, भगवा सन्यासी, और हमारे अंदर अगर संसार की चाह है तो ये सब झूठ है, सब नकली है। अच्छा, इसी से कपड़ों से मैं आता हूँ, आप सन्यासी हैं या साधक हैं या कथावाचक? मैं साधक हूँ। हमारे परंपरा में जो वैष्णव परंपरा है उस परंपरा के अनुसार हम पूरी तरह से दीक्षा लेकर के आजीवन एकल जीवन रह करके साधना करते हुए अपने जीवन आगे ले जाते हैं।